कौल प्रखंड स्तर महमूदा पंचायत में हम आ गए हैं, 9 नंबर वार्ड में। वहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक भी 5 साल में मुखिया द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। सामाजिक स्तर पे सब लोग ने चंदा करके ये चचरी पुल बनाया है। यहाँ की स्थिति देखिए, क्या करेगा बिहार का विकास? ये 50 साल पीछे का बिहार दिख रहा है। आपको सोचना चाहिए था मुखिया जी को कि कुछ भी थोड़ा सा विकास करना चाहिए। जनता की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको न शमशान है जलाने के लिए, न चलने के लिए पुल है। यहाँ की जनता से कुछ राय जान लेते हैं कि मुखिया जी का विकास अच्छा लग रहा है या खराब। आप कि इस बार देंगे कि नहीं वोट देंगे मुखिया जी को, बताइए सर। आप कुछ नहीं देंगे, अभी कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आप मुखिया जी से मिले थे कि हमारा पुल का निर्माण किया जाए, तो वो बोला कि हमें वोट नहीं दिए हो आप लोग, अभी तक आए नहीं गांव में घूमने के लिए। अभी जो चुनाव चल रहा है तो एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए? आया था परसों, दावे के साथ बोल रहा था कि मैं जीत के जाऊंगा यहाँ से। आपका क्या मानना है इस बार? इस बार हम तो दूसरे मुखिया, नए मुखिया को लाऊंगा। तो दूसरा मुखिया जो बनाएगा उनसे ये मुद्दे के बारे में बात किए हैं? हाँ किए हैं, बोला है विकास करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, हम एक महिला से बात कर लेते हैं। आप कुछ बोलिएगा तो बोलिए, आप कुछ बोलिएगा सर। आप ही बोलिए, यहाँ पे नहीं बोलिएगा, बोलिए मैथिली मुखिया जी, जो इतने दिन में विकास नहीं किए उस पर क्या बोलिएगा आप? क्या बोलिएगा? हाँ बोलिए। हमारा मुखिया जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं हम लोग सब का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इतनी जो दयनीय स्थिति है, 45 साल से हमको गांव को कुछ नहीं करता है, कुछ कोई विकास नहीं करता। गांव की स्थिति देखते हैं आप कि नहीं देखते हैं? देखते हैं तो देखो, पुराने मुखिया द्वारा न रोड का विकास किया गया, न सामाजिक स्तर पे कुछ काम किया गया। ये वार्ड नंबर 9 की बहुत ही स्थिति खराब है। बोलने से क्या बोलूं मैं, सामाजिक स्तर पे भी थोड़ा सोचना चाहिए था उनको, कुछ काम नहीं किए हैं। हालांकि बहुत दिमाग खराब चल रहा है मेरा, पहली बार ऐसी जगह पे आए हैं जो इतनी स्थिति खराब दिख रही है। न सड़क का निर्माण है, न लाइट का निर्माण है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। जुड़े रहिए आप लाइव न्यूज के साथ, मैं फरहान खान आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं।